उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में एक लेखपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लेखपाल का शव उनके किराए के घर में मिला। कमरे से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने कमरा खोलकर देखा तो अंदर लेखपाल का शव पड़ा था। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मूल रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धारचूला निवासी सुरेंद्र गर्ब्याल रामपुर में लेखपाल थे। रामपुर का गोयला गोयली उनका कार्य क्षेत्र था और सिविल लाइन्स की रामनाथ कॉलोनी में पिछले 5 से 6 महीने से किराए के मकान में रह रहे थे। मकान में कुछ और किराएदार भी रहते थे। लेखपाल के कमरे से अचानक दुर्गंध उठने पर पड़ोसी किराएदारों को कुछ अजीब होने का संदेह हुआ। आसपास लोगों को सूचित करने के बाद पुलिस को खबर दी गई। पुलिस के कमरा खोलने पर यहां लेखपाल की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सब 3 से 4 दिन पुराना है। वो अपने बेड पर मृत पड़े थे। कानून को अरुण कुमार सक्सेना के मुताबिक दिवाली के बाद से लेखपाल काम पर नहीं आ रहे थे। उन्हें लगातार फोन किया जा रहा था लेकिन फोन भी नहीं उठा। बहरहाल पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी है। परिजनों को भी उनकी मौत की सूचना दे दी गई।